फिल्म इंडस्ट्री में पिछले कुछ सालों से बायोपिक का चलन काफ़ी बढ़ता नज़र आ रहा है। ये कहना गलत नहीं होगा कि समय समय पर पर्दे पर कोई ना कोई बायोपिक फिल्म रिलीज होती है। दर्शकों को बायोपिक सिनेमा में काफ़ी दिलचस्पी होती जा रही है। ऐसे में अगर बात खिलाड़ियों की बायोपिक की हो तो इस पर भी अब तक कई बन चुकी है। इनमें महेंद्र सिंह धोनी से लेकर कपिल देव तक का नाम शामिल है। ऐसे में अब एक नाम और जुड़ता नजर आ रहा है। ये नाम इंडियन क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली का है। खबरों के मुताबिक उन्होंने फाइनल स्क्रिप्ट के लिए हाँ कर दी है और जल्द ही कोलकाता में शूटिंग शुरू होगी। ऐसे में अब हर किसी के मन में एक ही सवाल है कि ऑन स्क्रीन सौरभ कौन होगा। तो चलिए इस बात से भी पर्दा हटा ही देते हैं। सौरभ गांगुली की बायोपिक के लिए रणबीर कपूर का नाम सामने आ रहा है। इतना ही नहीं, बताया जा रहा है कि फिल्म में MS धोनी का किरदार भी नजर आएगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रणबीर कपूर की बायोपिक के लिए पुष्टि की गई है और वो सौरभ गांगुली की ऑन स्क्रीन भूमिका निभाएंगे। पहले कथित तौर पर कुछ डेट्स इश्यूज थे, लेकिन अब माना जा रहा है कि रणबीर ने हामी भर दी है। आपको बता दें, इससे पहले ऋतिक रोशन और सिद्धार्थ मल्होत्रा के नाम सामने आए थे। हालांकि अभी तक इस बारे में कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है। खबरों के मुताबिक इस फिल्म की शूटिंग की शुरुआत कोलकाता से होगी। कहा जा रहा है कि इस फिल्म की लागत 200 से 250 करोड़ रुपए होगी। एक्टर के वर्क फंड की बात करें तो इस साल पर्दे पर एक से बढ़कर एक फिल्मों में नजर आएंगे। 8 मार्च को उनकी फिल्म टू झूठी में मक्कार रिलीज होगी, तो वही अगस्त में एनिमल में नजर आएंगे। इस फिल्म में रणबीर पहली बार साउथ एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना के साथ काम करते नजर आएंगे। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।